नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है इस पहल का उद्देश्य। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए नव निर्वाचित विधायकों की आज शाम भोपाल में होगी बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में राज्य के नए मुख्यमंत्री की हो सकती है घोषणा। वहीं राजस्थान में कल होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने का किया आह्वान। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राजधानी दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। 17 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में देश भर से 1400 से अधिक खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। और महिला T20 क्रिकेट में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे और आखिरी T20 मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड की महिला टीम शुरुआती 2 मैच जीतकर पहले ही श्रृंखला कर चुकी है अपने नाम। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है। पीएम मोदी देश के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत का उद्देश्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कल नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत के दृष्टिकोण पर देश के युवाओं के विचार जानने के लिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के विधायी दल के नेता का चयन करने के लिए आज शाम भोपाल में बैठक करेंगे। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें जीती हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव साय 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। कल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। विष्णुदेव साय ने आगे ये भी कहा कि वो पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति आज शाम लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया के 27 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 12 दिसंबर को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 दिनों तक विस्तार से इस मामले पर सुनवाई की और उसके बाद इस साल 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं ने 5 अगस्त के राष्ट्रपति के आदेश और बाद में संसद से पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गैर संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। वहीं केंद्र का कहना था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 में दिए गए प्रावधानों का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश जारी किए थे और ये फैसला पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गुप्त मेमो की खबरें फर्जी और पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और ऐसा कोई मेमो जारी नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उन रिपोर्टों पर मीडिया के सवालों के जवाब में ये बात कही कि मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए उत्तरी अमेरिका में भारतीय मिशनों को कोई मेमो भेजा है। अरिंदम बागची ने कहा कि ये भारत के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है, ये कोई ज्ञापन नहीं है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा फैलाया गया एक झूठ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी इन फर्जी खबरों को बढ़ा रहे हैं वो केवल अपनी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में अहम भूमिका निभाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क ने कहा है कि उन्हें भारत में शांति, न्याय और मजबूत संगठन दिखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सरकार, सेना, वायुसेना और आपातकालीन सेवाएं सभी मिलकर काम करते हैं। उन्होंने स्वयं को भारत सरकार का बड़ा प्रशंसक बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों से इजरायली सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है और उनसे गाजा में आतंकवादी समूह के प्रमुख याहिया सिनवार के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं देने का आग्रह किया। इजराइल के रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी के बयान के बाद नेतन्याहू का ये बयान आया है। हर्जी हालेवी ने ये कहा था कि ऐसे संकेत हैं कि हमास ढह रहा है। साथ ही हालेवी ने पिछले सप्ताह दर्जनों लोगों की कई तस्वीरें और वीडियोस का हवाला देते हुए कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले में कई हमास के कार्यकर्ता शामिल हैं। गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों ने हमास के लोगों को हिरासत में लिया है। और जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह अर्जेंटीना की राष्ट्रीय कांग्रेस की इमारत में आयोजित किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद जेवियर माइली ने अपने पहले भाषण में कहा कि देश
कई दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मुद्रास्फीति 200% की ओर बढ़ रही है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। 53 वर्षीय माइली एक पूर्व टीवी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और लेखक हैं। माइली को 19 नवंबर को हुए मतदान में अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया था। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन के पीछे केंद्र सरकार का लक्ष्य महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों के लिए निरंतरता प्रदान करना है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 127 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि इस जीत के बावजूद पहले 2 मैच गंवा चुकी टीम इंडिया सीरीज 1-2 से हार गई। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। मंधाना और जैमिमा रॉड्रिक्स ने दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। जैमिमा ने 29 रन बनाए। इससे पहले गेंदबाजी में साइका इशाक और श्रेयंका पाटिल ने 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड को 126 रन पर रोक दिया। श्रेयंका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और डरबन में लगातार बारिश के कारण भारतीय और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच को रद्द घोषित कर दिया गया। लगातार बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। दोनों टीमों के बीच अब दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को गेकेबेरहा में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में है। T20 सीरीज में भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की कमान एरिन मार्करम के हाथों में है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।